आज मैं आपको दुनिया के सबसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इस बात को बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है जब स्वर्गीय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अल्बर्ट श्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा था, डॉक्टर आज इंसान में सबसे बड़ी कमी या बुराई क्या है। वो महान डॉक्टर कुछ पलों तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, सिर्फ यही कि आदमी बिल्कुल सोचता नहीं है। आज मैं भी इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग यानी गोल्डन एज में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों सालों से सपने देख रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन आज जब ये सब हमें मिल गया है तो हम इसकी कीमत नहीं समझते, बल्कि सोचते हैं कि ये हमें तोहफे में मुफ्त मिला है। लेकिन इसके पीछे छिपी मेहनत और संघर्ष को हम भूल गए हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। आइए जानते हैं असल में क्या होता है। हम ऐसे 100 लोगों का उदाहरण लेते हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने करियर या प्रोफेशन की शुरुआत की थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन 100 लोगों का मानना है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से वे जरूर कामयाब होंगे। अगर आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं या चाहती हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए किसी दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र में आते आते जानते हैं क्या होगा? उनमें से सिर्फ एक ही अमीर हो पाएगा। 4 फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होंगे, जबकि 5 65 की उम्र में भी काम और मेहनत कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो दिवालिया हो चुके होंगे या गरीबी की मार झेल रहे होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा गौर कीजिए कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन में किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 साल की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में क्या कर पाए, उसके बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाए, तो पहले हमें कामयाबी या सफलता का मतलब भी साफ साफ बताना होगा। तो आइए पहले सफलता का मतलब समझते हैं। अब मैं आपको सफलता का सबसे उम्दा मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझ कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो फिक्स्ड है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वो कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही आदमी कामयाब है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो नाकामयाब है। यानी कामयाबी तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। जाने माने साइकेट्रिस्ट रोलो ने एक कमाल की किताब लिखी थी जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ, और इस किताब में वे कहते हैं कि हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदली नहीं है, बल्कि कन्फर्मिटी यानी कि समानता या अनुरूपता है। आज हमारे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है और इतने सारे लोगों की नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण भी। अनुरूपता का मतलब है बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। आमतौर पर लगभग 7 साल की उम्र में हम पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, 30 के होते होते कमाना शुरू कर देते हैं। अक्सर उस समय न सिर्फ हम कमा रहे होते हैं बल्कि एक परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे होते हैं। इसके बावजूद भी 65 के होने तक हम ये नहीं सीख पाते कि क्या आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट यानी कि बेफिक्र कैसे बने। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि हम औरों की देखा देखी यानी नकल करते हैं? मुश्किल तो यही है कि हम समाज के बड़े और गलत परसेंटेज वाले लोगों को फॉलो कर रहे हैं, यानी उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो कामयाब नहीं है।
अब सवाल यह है कि इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका जवाब तो शायद वो खुद भी नहीं जानते। ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनकी परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्ति से कंट्रोल होने वाले लोग होते हैं। एक बार एक काम करने वाले लोगों के ग्रुप पर सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि सभी लोग सुबह उठकर काम करने के लिए निकल जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। आइए हम वापस कामयाबी की परिभाषा पर चलते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वो टीचर कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रही है क्योंकि ये वही काम है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वो यही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी कामयाब है क्योंकि उसने यही प्रोफेशन अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वो बिजनेसमैन कामयाब है जिसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की क्योंकि यही उसका सपना था और वो यही काम करना चाहता था। वो सेल्समैन भी कामयाब है जो अपनी कंपनी में टॉप और बेस्ट सेल्समैन बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य पाने में जुट जाता है। जिन लोगों का कोई लक्ष्य होता है वो कामयाब होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी ओर नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनकी परिस्थितियां उनके जीवन का रास्ता तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। हर वो शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच समझकर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी नाकामयाब हो जाते हैं। हमें किसी से भी मुकाबला करने के बजाय अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर उसकी नींव डालनी है। लगभग 20 सालों तक मैं उस रहस्य की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से ही सब कुछ मन मुताबिक तय किया जा सके। क्या ऐसी कोई चाबी है? मैं जानना चाहता हूं कि जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सके। क्या ऐसी कोई चाबी है जो आदमी को कामयाब होने की गारंटी दे सके? काश आदमी किसी ऐसी चाबी के बारे में जान सके और उसका इस्तेमाल करना सीख सके। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी चाबी बिल्कुल मौजूद है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता? तो वहीं कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है, यानी मैजिक टच। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि वो जिस चीज को भी हाथ लगा दे वो सोने में बदल जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो इंसान कामयाब हो जाता है वो और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है? दूसरी तरफ क्या आपने ध्यान दिया है कि किस तरह कोई नाकामयाब होने के बाद लगातार नाकाम होता ही रहता है और हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहता है? तो क्या फर्क है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के सामने कोई लक्ष्य होता है वो उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य बनाने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचें जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर दिया गया है और उस जहाज के कप्तान और चालक दल यानी कि क्रू बखूबी जानते हैं कि जहाज कहां जा रहा है और उसमें कितना समय लगेगा। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और मैप साथ रखने वाला जहाज 10,000 बार में से 9,999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए वो रवाना हुआ था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरा जहाज लेते हैं जो बिल्कुल पहले जहाज की तरह है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसमें कोई कप्तान या चालक दल नहीं है, इस जहाज का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही उसकी कोई मंजिल है। हम बस उसका इंजन शुरू कर देते हैं और उसे आगे जाने देते हैं। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर उसे हार्बर यानी कि बंदरगाह से छोड़ा जाए तो
तो वो या तो आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान और उजाड़ समुद्र तट पर आकर अटक जाएगा या तूफान में घिर जाएगा। वो कभी किसी जगह पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि ना तो उसकी कोई मंजिल है और ना ही उसका कोई लक्ष्य है और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई गाइड मौजूद है। इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एक सेल्समैन का ही उदाहरण ले लीजिए। आज दुनिया में एक काबिल सेल्समैन से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी भी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य साफ हो और हम होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी कि बेचने का प्रोफेशन दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला प्रोफेशन है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और इसके लिए वो कंपनी उसे ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने को भी तैयार है। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन असल में आपको ऐसे कितने कुशल लोग मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज समाज और इकोनॉमी की तुलना जंग के समय किसी काफिले यानी कि सिपाहियों के दल से की जा सकती है। जैसे काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे सबसे धीमी गति वाली उसकी टुकड़ी भी उसके साथ साथ चल सके, ठीक उसी तरह आज पूरी इकोनॉमी अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा और हिफाजत के लिए धीमी पड़ गई है। यही कारण है कि आज पैसा कमाना काफी आसान हो गया है। अब परिवार को चलाने और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी खास टैलेंट या बुद्धि की जरूरत नहीं है। आम तौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और यह सुरक्षा हमारे पास मौजूद भी है। लेकिन इसका फैसला हमें करना है कि इस सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए तय करना चाहते हैं। चलिए अब दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं उस पर वापस चलते हैं। जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें अगर आप सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसके बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो लंबे समय से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हकीकत में बदल जाएगा और आप उन सभी चिंताओं समस्याओं और परिस्थितियों से आजाद हो जाएंगे जो न जाने कब से आपको घेरे हुई थी। शंका यानी डाउट और डर बीते हुए कल की बातें हो जाएंगी। कामयाबी और नाकामयाबी की चाबी क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। मैं एक बार फिर से इसे दोहराता हूं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में जितने भी महान बुद्धिमान लोग टीचर फिलोसोफर और पैगंबर हुए हैं वो अक्सर अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत रहे हैं लेकिन सिर्फ इसी एक बात पर वो पूरी तरह से एकमत और सहमत रहे हैं। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। इस बारे में डिज़राइली ने कहा था, अगर आदमी चाहे और थोड़ा इंतजार करे तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। बहुत गहराई से विचारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो इंसान जिसके पास एक निश्चित मकसद होता है वो उसे हर हाल में पूरा करता है और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो दिन भर सोचता है। इस बारे में विलियम जेम्स ने कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में जिन चीजों को पाना चाहते हैं उन चीजों को हकीकत में हुआ मान लें, यानी कि यह मान लें कि हमने उसे हासिल कर लिया है। धीरे धीरे सोच का जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि हमारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल हमारी सोच हमारी भावनाएं और आदतें इस कदर घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर सामने आ जाता है। वो आगे कहते हैं, अगर आप किसी खास नतीजे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप यकीनन उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप बेशक अमीर बन जाएंगे। अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो आप जीनियस बनेंगे। इसी तरह अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो आप जरूर पहले से एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर को डेवलप करें और उस दौरान बस वो इकलौता लक्ष्य ही आपके सामने होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय में कई अलग अलग चीजों के लिए आपका ध्यान भटक रहा हो। आपको बाइबल में लिखी वो बात तो याद ही होगी कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इस बारे में मेरे करीबी दोस्त डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट का कहना है कि ब्रह्मांड के कई महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव है तो आपको नकारात्मक रिजल्ट ही मिलेंगे, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक ही होगा। ये बड़ा ही साधारण सा सच है जो कामयाबी और समृद्धि के इस अद्भुत रहस्य का आधार है। अगर इसे चार शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है विश्वास करो सफलता पाओ। अब समृद्धि से मेरा क्या मतलब है? समृद्धि का मतलब है एबंडेंस, यानी जहां हर चीज भरपूर मात्रा में मौजूद है, जहां कमी शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। समृद्धि शब्द में पैसों के साथ साथ शांति और खुशहाली भी शामिल होती है। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह से कहा है, हमारी शंकाएं यानी कि हमारे डाउट हमें इतना छलते हैं कि वो हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे हम वहां भी बुरी तरह से हार जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में जितने भी लोग किसी न किसी मुकाम तक पहुंचे हैं या कामयाब हुए हैं, उन्होंने पहला कदम उठाने की हिम्मत की और मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये सच कितना सुख देता है ना? और जिस किसी ने भी इसमें विश्वास किया है उसने कामयाबी भी हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी निश्चित और सार्थक यानी कि मीनिंगफुल और उचित लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम उसे जरूर हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है, और जो इसी वजह से डाउट, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा वो सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब समझें कि ये कैसे काम करता है, क्यों हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। आइए इसे एक अलग नजरिए से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन किसान को यह ऑप्शन देती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उस जमीन में जैसा चाहे वैसा बीज बो सकता है। जमीन को इसकी परवाह नहीं होती कि उसमें क्या बोया जा रहा है। इसका फैसला लेना पूरी तरह से किसान के ऊपर होता है। ठीक इसी तरह इंसान का मन भी जमीन की तरह होता है। जमीन की ही तरह मन को भी इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप उसमें कैसे विचार भर रहे हैं। उसमें जो कुछ भी बोया जाएगा वो वैसी ही फसल आपको लौटाएगा। यही बात सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर भी लागू होती है। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और अगर नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। अब मान लेते हैं कि उस किसान के पास दो तरह के बीज हैं, एक मकई के बीज और दूसरा नाइटशेड का बीज, जो कि एक जहरीला पौधा होता है। किसान दोनों बीजों को जमीन में बो देता है, उसके बाद वो उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। अब जमीन में जो कुछ भी बोया गया है वो उसे वापस लौटाती है, दोनों पौधे उगते हैं। बाइबल में भी यही बात कही गई है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। इंसान का दिमाग एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ, कमाल करने वाला और कहीं ज्यादा चमत्कारी होता है, लेकिन वो ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि एक जमीन करती है। दिमाग परवाह नहीं करता कि हम उसमें क्या भर रहे हैं, कामयाबी या नाकामयाबी। एक निश्चित और सार्थक लक्ष्य या भ्रम, गलतफहमी, डर और चिंता, लेकिन हम जो भी उसमें बोते हैं वो वही हमें वापस लौटाता है। क्या आपको मालूम है कि इंसान का दिमाग आज धरती पर इकलौती ऐसी चीज है जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसमें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सुख और समृद्धि भरी हुई है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचार डालें तो यह उससे कहीं गुना ज्यादा कामयाबी हमें लौटाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर यह बात सच है तो लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा दिमाग हमें एक डेवलप्ड और एडवांस मशीन की तरह जन्म से ही मुफ्त में मिला है, और इंसान की यह फितरत होती है कि जो चीज उसे मुफ्त में मिलती है वो उन चीजों की कद्र नहीं करता और उसकी कीमत को बहुत कम समझने लगता है। इसके बजाय वो उन चीजों को कीमती समझता है और महत्व देता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन हकीकत में इसका उल्टा ही सच होता है।
आज हमारे जीवन में जो भी चीजें असल में अहम हैं और मायने रखती हैं, वो सब कुछ हमें मुफ्त में मिली हैं। जैसे हमारा मन, आत्मा, ये शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, इच्छाएं, बुद्धि, हमारा परिवार, बच्चे और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति यानी कि नेचर का तोहफा, जैसे हवा, धूप, पानी, ये सभी अनमोल और बेशकीमती चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, असल में वे इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं, और उन्हें कभी भी किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं, वो कभी किसी चीज से बदली नहीं जा सकती। दूसरी बात यह कि आज तक इंसान के दिमाग की ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारा दिमाग इतना बेमिसाल और शक्तिशाली है कि उसे जो भी काम दिया जाए वो उसे कर सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि हम इसे बड़े और अहम कामों के बजाय छोटे और बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने यह साबित किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता यानी कि पोटेंशियल का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी बाकी की क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। इसलिए अब आपको फैसला करना है कि आप इससे क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोएं, यह आपके जीवन का अब तक का सबसे अहम फैसला होगा। क्या आप अपनी जॉब में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आपको बस इतना करना है कि अपने दिलो दिमाग की जमीन में लक्ष्य और उसके बीज को बो दें, फिर पूरी लगन और फोकस के साथ उसकी देखभाल करें, अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करते हुए आगे बढ़ते रहें, और जल्द ही वो दिन भी आएगा जब आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये यकीनन होगा, क्योंकि ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति के कई नियमों में से एक नियम है। ठीक वैसे ही जैसे सर आइजैक न्यूटन का ग्रेविटी का नियम है कि अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाते हैं तो आप हमेशा नीचे ही जाएंगे, कभी ऊपर नहीं जा सकते। और प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अपने लक्ष्य के बारे में आराम से, सकारात्मक तरीके से सोचें। अपने मन में उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से देखें कि जैसे आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया हो। जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे, खुद को वो काम करता हुआ देखें। आज हमारे दौर को दवाइयों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब मेडिकल साइंस ने सेहत और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और खुद को समय से पहले आने वाली मौत की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नेचुरल लॉ यानी कि प्रकृति के नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और फायदेमंद है। हमारे सोचने के तरीके में ही यह चमत्कार छुपा हुआ है। दरअसल हर इंसान अपने खुद के विचारों का ही प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। लेकिन आज वो जहां भी है, जिस स्थिति में भी है, वो उसकी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को आने वाले कल में भी हमारे विचारों का ही फल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल, अगले महीने या अगले साल हम क्या सोचते हैं और हमारे सोच की जो दिशा होगी, वही हमारे जीवन की दिशा और भविष्य को तय करेगी। आपका मन और दिमाग ही आपके पूरे जीवन और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। मुझे याद है एक बार जब मैं ईस्टर्न एरिजोना में था तो मैंने सड़क किनारे उन बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों को जोरदार आवाज के साथ काम करते हुए देखा, जो एक बार में लगभग 30 टन गंदगी उठा रहे थे। उसके ऊपर एक छोटा सा आदमी अपने हाथों में पहियों जैसी चीज थामे उस मशीन को कंट्रोल कर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे मन में ख्याल आने लगा कि उस मशीन की तुलना इंसान के दिमाग से की जा सकती है। मान लीजिए कि इतनी बड़ी एनर्जी सोर्स यानी इस दिमाग रूपी मशीन का कंट्रोल आपके हाथों में है, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहेंगे और उस मशीन को उसके भरोसे छोड़कर किसी गड्ढे में गिरने देंगे? या आप दोनों हाथों से पहिए को मजबूती से थाम कर उस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे और एक खास और सार्थक मकसद के लिए उसे सही दिशा में मोड़ देंगे? ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथों में है। असल में जो नियम हमें कामयाबी दिलाता है, वो दोधारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच और विचारों पर कंट्रोल या काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो नियम लोगों को कामयाबी, दौलत, शोहरत
खुशी और उन सभी चीजों की ओर ले जाता है जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था, वही नियम उन्हें नीचे गिराकर बर्बाद भी कर सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान इस नियम का किस तरह से इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे अद्भुत और निराला रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक और रहस्य क्यों कह रहा हूं। असल में यह रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत समय पहले किसी बुद्धिमान आदमी ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई साबित की थी और बाद में बाइबल में इसका कई बार जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि यह कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर आदमी से पूछें कि कामयाबी का राज क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिशों और जद्दोजहद के बाद भी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको इसका सटीक जवाब दे सके। आज जो कुछ हमने जाना है वो असल में हमारे लिए बेहद अनमोल और कीमती है। अगर हम इसे समझकर जीवन में उतार सकें तो न सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत अहम होगा। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि जोश और जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी पूरी जिंदा दिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह नींद खुलने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद काम या प्रोफेशन चुनना चाहिए क्योंकि वो उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। एक बार मैंने एक डेली एडिटर का लेक्चर सुना था। उन्होंने अंत में जो कहा वो मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि अपने प्रोफेशन में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और दूसरा ये कि हम सभी कहीं ना कहीं से आए हैं और हम सबको कहीं ना कहीं जाना है। इसीलिए दुनिया में ये बीच का समय हमें एक रोमांचक सफर या मिशन की तरह बिताना चाहिए। दुनिया बनाने वाले ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो सच बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं आपको इस टेस्ट को आजमाने का एक मौका देना चाहता हूं। ये टेस्ट 30 दिनों तक चलेगा। अगर आपने अच्छे से ये टेस्ट पास कर लिया तो यह आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। 17th सेंचुरी में चलते हैं, जब महान साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने हमें फिजिक्स के कई लॉस के बारे में बताया था जो इंसानों पर भी उसी तरह काम करते हैं जैसे ब्रह्मांड की और चीजों पर करते हैं। इनमें से एक नियम है, हर एक्शन का बिल्कुल समान और अपोजिट रिएक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हर एक्शन का बिल्कुल इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर हम इसे खुद पर लागू करें तो इसका मतलब है कि कोई कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल उसके बराबर होगा जितनी आपने कोशिश की होगी। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई सालों तक कड़ी मेहनत और पढ़ाई करने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसी तरह औरों को समझाने में या सहमत कराने में, सेल्स के बिजनेस में भी हमारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या उन्हें मनाने की हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी कोशिश में कितनी कीमत चुकाते हैं, और हमें ये कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह कीमत क्या होगी, तो इसमें कई बातें शामिल हैं। पहला तो ये कि हमें बुद्धि और भावना दोनों ही लेवल पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने विचारों को कंट्रोल में करना होगा, यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे या वैसा ही हम काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी यह समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं यानी कि बाउंड्रीज हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी तमाम छोटी और सीमित सोच और उन विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें हमने बिना सोचे समझे या परखे पहले से ही सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को इंस्पायर और मोटिवेट करने में पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और क्लियर लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर दें। अपनी कल्पना को खुली छूट दें ताकि वो हर संभव समाधान की परख कर सके। इस सोच पर विश्वास करने से इनकार करें कि लक्ष्य पाने के रास्ते में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है।
जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखने लगे तो पूरी फुर्ती और पूरे जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करें और खुद को लगातार ये बात याद दिलाते रहें कि आप अपनी उपलब्धियों और कामयाबी के फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। चौथी बात, आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% जरूर बचाएं। हमेशा याद रखें कि आपका बिजनेस चाहे जैसा भी हो, अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो उसमें कभी ना खत्म होने वाली संभावनाएं भरी हुई हैं। आइए हम उन अहम पॉइंट्स को दोहरा लें जो हमें एक खूबसूरत जीवन बिताने के कीमत के तौर पर चुकानी है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द के महत्व को समझें और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरा, हिम्मत का जज्बा रखें और हर दिन अपने लक्ष्य पर पूरी लगन और फोकस के साथ डट कर लगे रहें। और चौथा, जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर अमल नहीं करते या उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। अब मैं 30 दिनों के टेस्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में ये बात ठीक से बैठा लें कि इस टेस्ट में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे, बल्कि मुमकिन है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं। दो बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से डरे हुए रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसा पाने की इच्छा, या शायद आप अपनी इनकम को दुगना करना चाहते हो, या कोई फिक्स्ड अमाउंट कमाना चाहते हो। हो सकता है कि आप एक सुंदर घर चाहते हो, आपकी जॉब में कामयाबी की तमन्ना रखते हो, या जिंदगी में कोई खास मुकाम पाने का सपना देखते हो, या अपने परिवार में ज्यादा प्रेम और तालमेल देखना चाहते हो। हम सभी किसी न किसी चीज की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर साफ साफ लिखें कि आपका अरमान क्या है। इस बात का ध्यान रखें कि यही आपका इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। आपको इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखें ताकि आप दिन में इसे कई बार देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भर कर सकारात्मक तरीके से सोचें। दिन भर में जब भी आपको मौका मिले तो इसे जरूर देखें और रात में सोने के ठीक पहले भी देखना ना भूलें। जब भी आप इसे देखते हैं तो याद रखें कि आप वही बनेंगे जिसके बारे में आप बार बार और लगातार सोचते हैं। और क्योंकि इसे देखते वक्त आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल भी करने वाले हैं। असल में जिस पल आप इसे लिख देते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तभी से ये मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो लक्ष्य आपका हो जाता है। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली असीमता और अपारता की ओर देखिए, यानी अबंडेंस की ओर देखिए। अबंडेंस में कमी शब्द का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता, इसमें हर चीज की भरमार होती है। इस अपारता और कामयाबी पर आपका भी उतना ही हक है जितना औरों का है। अगर आप चाहें और कोशिश करें तो ये आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें डालनी होंगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं, लेकिन अगर एक बार कोई आदत पड़ जाए तो जीवन भर ये साथ बनी रहती हैं। जिस चीज से भी आपको डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जब भी आपके मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपने सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य की मेंटल तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दें। इस दौरान ऐसा वक्त भी आएगा जब आप थककर हार मानने लगेंगे, क्योंकि इंसान के लिए सकारात्मक सोच की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस 5% लोगों में अपनी जगह बना सकें, और इसके लिए आपको अभी से इसकी शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए आपके दिमाग का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत आप उसे देंगे। 30 दिनों के इस टेस्ट यानी कि परीक्षण के दौरान आप हर दिन उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उमंग से भरा हुआ सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सब इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना आप उसमें लगाएंगे। जिस पल आप किसी लक्ष्य की ओर काम करने का फैसला ले लेते हैं, उसी वक्त आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। उसके बाद हर 100 लोगों की गिनती में आप टॉप 5 की श्रेणी में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से ये चिंता हटा दें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएंगे,
और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दें जो आपसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप किस ओर और कहां जा रहे हैं। बाकी जो जो सवाल आपके सामने आएंगे उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। आप ग्रंथों में बताए इन शब्दों को याद करें और टेस्ट के दौरान हर दिन अपने सामने रखें। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वो इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। ये शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल ये नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना शायद और मुश्किल होगा। बस आपके लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने क्लियर लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कुछ इस तरह जैसा आपने पहले कभी नहीं किया हो। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें, उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। मशहूर राइटर और एडिटर डोरोथी ब्रैंड ने इस राज को ढूंढ निकाला। अपनी किताब वेकअप एंड लिव में उन्होंने कुछ इस तरह से उसे शब्दों में पिरोया है, जैसे उनकी गहरी सोच और फिलॉसफी इन शब्दों में समा गई हो। उन्होंने लिखा, इस तरह काम करो कि नाकाम होना नामुमकिन हो जाए। डोरोथी ने अपने टेस्ट के दिनों को पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ पूरा किया और चकित कर देने वाली कामयाबी ने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। अब आप 30 दिनों तक खुद को टेस्ट करें, लेकिन इस टेस्ट को तब तक शुरू न करें जब तक कि आप इसे पूरी लगन के साथ और डटकर करने के लिए खुद को राजी नहीं कर लेते। आप पाएंगे कि पक्के इरादे और लगन होने की वजह से आप में भी विश्वास छलक रहा होगा। कहा जा सकता है कि पक्का इरादा विश्वास का ही दूसरा नाम है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। अपने पहले 30 दिनों के दौरान अगर आप नाकामयाब हो जाते हैं, और इससे मेरा मतलब है कि अचानक आप खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पाते हैं जो आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है, तो उस पॉइंट से दोबारा शुरू करें और 30 दिन का टेस्ट पूरा करें। धीरे धीरे ये आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आप को उन अद्भुत चुनिंदा लोगों की तरह बनता हुआ पाएंगे जिनके लिए कुछ भी हासिल कर पाना नामुमकिन नहीं है। आप अपने कार्ड को ना भूलें। जब आप जीने का ये नया ढंग अपनाना शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बेहद जरूरी होता है। इसके एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें और दूसरी तरफ ग्रंथों में दी गई सीख की ये लाइन लिखें, पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे यकीनन पाओगे, दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। टेस्ट के दौरान अपने खाली समय में मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, यानी ऐसी किताबें जो आपके दिल में आशा और उम्मीद की लौ को बरकरार रख सकें। यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जीवन में कभी भी कोई महान काम प्रेरणा के बिना मुमकिन नहीं हो सका है। यह ध्यान रखें कि टेस्ट के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपनी चरम सीमा पर रहे। और सबसे जरूरी बात, चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चिंता कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ डर को लेकर आती है, और डर आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने बिल्कुल सामने साफ रखना है, बाकी सभी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। यह भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और मन से खुश बने रहें। किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत न दें कि वो आपको परेशान या बेचैन कर सके और आपको आपके रास्ते से हटा सके। हो सकता है कि कोई शख्स इस टेस्ट को मुश्किल समझकर कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी नाकाम नहीं होना चाहता, कोई भी अध कचरा नहीं रहना चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, डर और निराशा से भरा हो। इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक बीजों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से ही भरे रहेंगे, और अगर सकारात्मक बीज बोते हैं तो आपका जीवन खुशहाल, कामयाब और सकारात्मक बनेगा। एक बात और, अक्सर ये देखा गया है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे आदमी भूलने लगता है। इसीलिए इस ऑडियो के जरिए बीच बीच में अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदत डालने के लिए आपको क्या क्या करना है। बीच बीच में अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे सुने। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कहना है कि वो इस नियम को जाने समझे सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई कीमत चुकाए, मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग जीवन में नाकाम रहते हैं।
यहाँ जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सबसे उम्दा तरीका बताया गया है कि लोगों को काम आने वाली और उनकी जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्ट और सर्विसेज दें। हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज ही लोगों के पैसों से करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड नियम के अनुसार हमें उसी तुलना यानी उसी रेशो में फायदा हासिल होगा जिस तुलना में हम लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस देंगे। कामयाबी कभी भी पैसा कमाने का नतीजा नहीं होता, बल्कि कामयाबी के कारण ही हम पैसा कमा पाते हैं। और जितनी सर्विस आप देंगे या जितनी मेहनत आप करेंगे, कामयाबी भी आपको उसके बराबर ही मिलेगी। यही इन दोनों के बीच का सीधा सा संबंध है। ज्यादातर लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप कामयाब हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब पहले आप कामयाबी हासिल कर लें। नहीं तो ये वही बात हो जाएगी कि एक आदमी अंगीठी के सामने बैठा है और अंगीठी से कह रहा है कि पहले तुम मुझे गर्मी और ताप दो, उसके बाद मैं लकड़ी डालूंगा। सोचकर बताएं कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं या आपको लगता है कि आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो जीवन के प्रति बिल्कुल ऐसा ही रवैया अपनाते हैं। मुझे लगता है कि इनकी गिनती लाखों में होगी। अब यह समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आग और ताप पैदा करने के लिए पहले हमें कोयला तो डालना ही होगा ना। इसी तरह पैसे की उम्मीद करने से पहले अपनी सर्विस पर ध्यान दें। पैसों की ओर ज्यादा चिंता या ध्यान न दें, खुद को पैसे से न जोड़ें, बल्कि अपनी सर्विस और मेहनत पर फोकस करें, कुछ बनाने पर ध्यान दें, उस दिशा में काम करें, सपने देखें, उन्हें साकार करें। ऐसा करके तो देखिए और आप पाएंगे कि आपके पास इतनी कामयाबी आएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। कामयाबी भी आपसी लेन देन यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज के नियम पर ही काम करती है। कोई भी आदमी जो कामयाबी के लिए मेहनत और योगदान करता है वो खुद को सफल बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। 30 दिनों के टेस्ट के समय के दौरान इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी कामयाबी को हमेशा आपके द्वारा दी जाने वाली सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी के अनुसार मापा जाएगा। पैसा सिर्फ इस सर्विस को मापने का एक पैमाना है। कोई भी इंसान तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक वो औरों को समृद्ध ना बना सके। ये नियम ना तो गलत है और ना ही इसमें कोई बदलाव होता है। एक बार ये नियम अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो कोई भी समझदार इंसान खुद अपना भाग्य बना सकता है। अगर वो और ज्यादा चाहता है तो उसे और ज्यादा सर्विस लोगों को देनी होगी। अगर वो कम चाहता है तो उसे सर्विस की मात्रा में भी कमी करनी होगी। यही वो कीमत है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि औरों को दरकिनार कर आप खुद को कामयाब कर लेंगे तो यह आपकी भूल है। इससे आप खुद को ही दरकिनार कर लेंगे। ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने जैसा सच है कि आप जितना देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा भूलकर भी कभी ना सोचें, क्योंकि ये नामुमकिन है। एक जाने माने साइकेट्रिस्ट ने कामयाबी पाने के लिए 6 उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य तय करें। दूसरा, खुद को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को पूरी तरह से मन से निकाल दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका यानी कि डाउट जताते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके बजाय उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको कामयाब होने का विश्वास दिलाते हैं। और अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों को याद कर उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहली बार ये बात आपके मन में बैठ गई थी कि आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी ऐसे शख्स के बारे में लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, खुद के बारे में आपने जो राय बना रखी है उसे बदलें। आपने जिस आदर्श और कामयाब इंसान के नक्शे कदम पर चलने का या उन्हें फॉलो करने का फैसला किया है, उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचें और काम करें। ज्यादातर लोग इस नियम को समझे बिना ही बस ये कह देते हैं कि वो बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं। अरे भाई, पैसा सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो पैसा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। बाकी लोगों को तो पैसा कमाना पड़ता है। यही कारण है कि जो लोग बिना कुछ किए मुफ्त में पैसा कमाने की तलाश में रहते हैं वो जीवन में नाकामयाब रहते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास की शुरुआत से ही एक्सपर्ट ने जो कहा है उसे अपनाने की कोशिश करें। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। ये काम यकीनन उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल एक नाकामयाब इंसान के रूप में जीवन जीना है। 30 दिन का टेस्ट पूरा करें, इसे दोहराएं, उसके बाद इसे फिर से दोहराएं। ऐसा करते करते हर कोशिश के साथ यह आपका हिस्सा बनता चला जाएगा, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा उतरता चला जाएगा।
और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप खुद पर आश्चर्य करेंगे कि आज तक आप कैसे किसी और ढंग से जीवन जिए जा रहे थे। इस नए तरीके को अपनाकर जीवन जीना शुरू करें और आपके जीवन में मौकों और पैसे की बाढ़ आ जाएगी। आपके लिए ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जहां कमी शब्द के लिए कोई जगह नहीं होगी और आप पर इतनी दौलत और सुख की बारिश होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप पूछेंगे कि क्या इससे पैसा मिलेगा? तो जवाब है हां, बेशक मिलेगा और बेशुमार मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो है सुकून। इससे आपको शांति भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। ये नियम अपनाकर आप उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाएंगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। याद रखिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए बहुत कुछ है। यानी एक बिल्कुल नया जीवन जो आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है।